वाड़ी में चोरियों की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। रात भर पुलिस की गश्त के बावजूद चोर चोरी करने में सफल हो रहे हैं। वाड़ी में एक ही रात में 3 दुकानों में डकैती चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। सीसीटीवी में 4 चोर कैद हो गए हैं और वाड़ी में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं रही है। रात भर पुलिस गश्त के बावजूद चोर चोरी करने में सफल हो रहे हैं। शनिवार के मध्यरात्रि में शीला कॉम्प्लेक्स की 3 दुकानें एक ही रात में फूटने से दुकानदारों में हड़कंप मचा। पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार रात 12 बजे से रविवार की सुबह के दरमियान शीला कॉम्प्लेक्स तवक्कल लेआउट की 3 दुकानों पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर लिया, जिसमें सिद्धार्थ टेलीकॉम सेंटर, लाल साई इलेक्ट्रॉनिक और सुनीता डेली नीड्स का समावेश है। बताया गया कि नवनीत नगर वाड़ी निवासी मनोज शंकर गजवे के सिद्धार्थ टेलीकॉम से 2000 रुपए नकदी, नोकिया कंपनी के 3 सैमसंग, 1 लिनियो कंपनी के 2 मोबाइल चोरी हुए। आशुतोष बर्वे के डेली नीड से 300 रुपए और श्रीखंड के 3 डब्बे और जरीपटका नाको निवासी वीरभान की संचन चलवाने के इलेक्ट्रॉनिक शॉप से 4,500 रुपए नगद, कुल 11,300 रुपए पर अज्ञात चोरों ने दुकान के शटर को सबल से तोड़कर इस माल पर हाथ साफ कर लिया। 15,000 से 20,000 का माल की चोरी हुई है। सीसीटीवी में 4 शातिर चोर कैद होने की जानकारी वाड़ी पुलिस ने दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देख लिया है। फुटेज देखकर चोरों को पहचान कर जल्दी पकड़ने का जानकारी वाड़ी पुलिस ने दी। वाड़ी पुलिस को रविवार को सुबह 7 बजे घटना की जानकारी मिलती ही पीएसआई एसएस कावनपुरे डीबी पथक के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटना का पंचनामा कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। अब सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद आरोपियों को जल्दी हिरासत में पुलिस कर सकती है। आगे की कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नरेश पवार के नेतृत्व में पीएसआई एसएस कावनपुरे कर रहे हैं। वाड़ी से एनबीसीएन के लिए सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। 6/1/2019 रात्रि अंदाजे 11 ते 5:30 च्या दरम्यान शीला कॉम्प्लेक्सच्या मागील इलेक्ट्रॉनिक जो मार्केट आहे त्या मार्केटमध्ये चोरी झाली असे फोनद्वारे 7:30 माहिती पडली। त्यावरून आम्ही डीबी स्कॉट आणि आम्ही स्वतः घटनास्थळी गेलो। तिथे बघितलं सिद्धार्थ टेलिकॉम अँड झेरॉक्स सेंटर, त्यांच्याच बाजूला असलेले लाल साई इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सुनीता बेकरी डेलिनेज अँड बेकरी अशा 3 दुकानाचे शटर अर्धवट वाकून कुणीतरी अज्ञात चोराने आत प्रवेश करून त्यामधील 3 दुकानातील एकूण 11,300 रुपयाचा वैवज चोरून नेल्याचे माहीत पडले। आणि फिर्यादीने चेक करून सांगितलं की इतर सामान आमचं व्यवस्थित आहे, फक्त पैसे गेलेले आहेत। त्यांच्या रिपोर्टवरून 457/380 असा गुन्हा दाखल केलेला आहे। आणि सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये त्यांचे काही अर्धवट चेहरे दिसत आहेत, तरी आम्ही शोध घेऊन त्याचा तपास सुरू आहे। माननीय वरिष्ठ पोलीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर गुन्ह्याचा पुढे तपास